फिर चुप अखिलेश, फिर चुप। यह चुप्पी का कारण क्या है? क्या किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं देंगे अखिलेश? क्या रंगेश और अखिलेश के खेल का जवाब नहीं देंगे अखिलेश? क्या आतंकी और अखिलेश के इस मेल का जवाब नहीं देंगे अखिलेश? क्या जेल और बेल का जवाब नहीं देंगे अखिलेश? मैं तो यही कहूंगा, अखिलेश चुप क्यों? अखिलेश जी बोलिए। धन्यवाद। इस जो मैंने प्रेस की, इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बूथ जीता, चुनाव जीता, और 2017 हो, 19 हो, उससे पहले 14 हो, हमने बूथ भी जीता, लोगों का काम करके लोगों का दिल जीता है, और इस बार चुनाव भी जीतेंगे। मोदी जी, योगी जी के काम ने लोगों का दिल जीता है, कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और जनता के आशीर्वाद से बूथ जीतेंगे, और उत्तर प्रदेश का चुनाव भी रिकॉर्ड सीटें जीतकर जीतेंगे। गुंडा और माफियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हमने पिछले 5 वर्षों में भी की है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आगे और दृढ़ता के साथ अपराधी माफियों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि प्रियंका गांधी जी के कनेक्शन कहां जुड़े हैं जी? राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद को फिजूल की बात कहती हैं। अखिलेश जी और आतंकी परिवार के कनेक्शन पर कोई सवाल खड़ा नहीं करती हैं। उन्नाव की दलित परिवार की बेटी की अपहरण और हत्या पर प्रियंका जी अखिलेश जी से सवाल खड़ा नहीं करती हैं जी। 10 लोगों की जहरीली शराब बेचने से मृत्यु हो गई, रंगेश अखिलेश से प्रियंका गांधी जी सवाल नहीं पूछती हैं। आखिरकार प्रियंका गांधी जी का इन माफियों के साथ क्या कनेक्शन है, प्रियंका गांधी जी बताएं। क्या मजबूरी है? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन सच बात नहीं कह सकती हूं। अयोध्या का चुनाव भी 27 को आने वाला है, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता जानती है कि अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के नेता कहते थे और भाजपा के ऊपर तंज कस के कहते थे कि बीजेपी वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख कब बताएंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हमने शिलान्यास भी कर दिया, भव्य राम मंदिर भी बनाएंगे और पूरा जनादेश लेकर फिर सरकार भी बनाएंगे, जिसके ऊपर रामलला का आशीर्वाद हो, सारे देवी देवताओं का और जनता का आशीर्वाद हो, वो हार ही नहीं सकते। हम जनता के लिए ही समर्पित हैं, आगे भी जनता के लिए समर्पित रहेंगे, उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। यस, लखनऊ में जब मतदान होने हैं और इस पूरे प्रचार में देखा गया कि पोस्टर में अटल जी की तस्वीरें कहीं पे नहीं दिखाई, क्या अटल जी को भूला गया? नहीं, ऐसा नहीं है। अटल जी हृदय सम्राट हैं, उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे देश के। भारत में परमाणु विस्फोट करके पूरी दुनिया भर को भारत की ताकत को भी दिखाया, कारगिल युद्ध में दुनिया भर के दबाव के बावजूद भारत नहीं छोड़कर गए, बल्कि एक एक पाकिस्तानी आतंकवादी और वहां के सेना के लोगों को खदेड़कर भारत की एक एक इंच भूमि वापस लेने का काम किया था।
अटल जी के समय ही गांव गांव को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में शुरू हुआ था, आज जिसको मोदी जी चरम सीमा पर लेकर जाने का काम कर रहे हैं। अटल जी तो लोगों के हृदय में बसते हैं। अटल जी का काम आज तक भी जन जन याद करता है। चलिए आगे। देखिए जो जो घटना की आप बात कर रहे हैं उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। स्पष्ट पता चलता है समाजवादी पार्टी की परिवार के लोग तो छोड़ के चले ही गए, पार्टी के भी ऐसे विधायक सांसद पूर्व मंत्री छोड़ के जा चुके हैं बड़ी संख्या में। और ये बेहोशी का आलम क्या है, ये जमीन खिसकती जो सपा को नजर आती है उसके कारण होश भी उड़ गए हैं और बेहोश भी होने शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का देश में 7 वर्ष का कार्यकाल जो मोदी जी के नेतृत्व में और 5 वर्ष का प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में स्पष्ट तौर पर दिखाता है, जहां एक ओर हम जनता को सुरक्षित रखने का काम करते हैं वहीं पर जन से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने के लिए मीडिया जो काम करती है उसको भी खुला स्वतंत्र उसी तरह से है, संरक्षण है। ऐसा नहीं है कि सपा की सरकार है और गुंडे अपराधी मीडिया कर्मियों के ऊपर किसी का अपहरण करें किसी की हत्या करें। मुझे लगता है दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इसके हम पक्षधर आज से नहीं बहुत पहले से रहे। उस समय भी हमने लड़ाई लड़ी और मीडिया ने लड़ाई लड़ी जब इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी देश में लेकर आई थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी ही उस समय का जनसंघ लड़ाई लड़ता रहा। उस समय का मीडिया का एक बड़ा वर्ग लड़ाई इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस की इमरजेंसी के खिलाफ लड़ता रहा। हम तो सदा से ही फ्रीडम ऑफ स्पीच के पक्षधर हैं और आगे भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।